सुखविंदर सिंह जी जिन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। सुखविंदर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर। और ये जो कहा जा रहा है कि सर्वसम्मति से फैसला हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कोई मतभेद नहीं रह गया है, कैप्टन भी खुश हैं? बिल्कुल, जब भी कांग्रेस पार्टी के कोई कांग्रेस हाईकमांड से फैसला आता है तो ये हमारा फैसले का स्वागत करते हैं। और जहां तक कैप्टन साहब की बात है, जो न्यूली अपॉइंटेड हमारे प्रेसिडेंट साहब की बात है, तो ये हमारा पारिवारिक एक मसला है जिसको हमारे जो परिवार के अंदर जो बड़े लोग होते हैं वो बैठ के अपने अंदर सुलझा लेते हैं। हमें पूरी आस और उम्मीद है कि हम आने वाले समय के अंदर कांग्रेस एक लड़की फेस लेकर के 2022 का चुनाव है जो लड़ेगी और उसके हम दोबारा अंदर शामिल फॉर्म करके वापस आएंगे 2022 में। लेकिन आप ये तो मानेंगे कि कैप्टन खेमे में नाराजगी थी, वहां पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, फिर क्या ऐसी बात हुई, क्या डील हुई जो कैप्टन अचानक राजी हो गए सिद्धू के नाम पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इश्यू होते हैं, ये जो पार्टी होती है, ये भी की तरह होती है, छोटे छोटे कहीं ना कहीं जो कभी वो डिफरेंसेस ऑफ हो जाता है ओपिनियन, वो वैसे कुछ हो जाते हैं। परिवार की तरह है, परिवार के सदस्य तो है वो अकेले बात में जब पार्टी के लोग एक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, हमें इस चीज का बहुत कॉन्फिडेंस है कि वी विल बी गोइंग टू नेक्स्ट इलेक्शन विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फॉर्म गवर्नमेंट इन 2022। सुखविंदर सिंह जी, दो पावरफुल शख्सियत हैं यहाँ पर, एक तरफ कैप्टन है, दूसरी तरफ सिद्धू हैं, ऐसे में पावर बैलेंस कैसे होगा क्योंकि पंजाब चुनाव तो बेहद नजदीक है और मिलकर काम करना है? और अगर ऐसे बताए तो हमारे लिए और खुशी की बात है। अगर अब तो हमारी पावर भी कांग्रेस की से डबल होती है, अगर जैसे आप बता रहे हो कि दो पावर आगे हमारी कांग्रेस की पावर बढ़ रही है पंजाब के अंदर, तो आई थिंक नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप अस फ्रॉम फॉर्मिंग इन दिस गवर्नमेंट पंजाब। सुखविंदर जी, ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे एमएलए एमपी हैं जो सिद्धू का साथ दे रहे हैं, वो कैप्टन के साथ नहीं है। ये जो असमंजस का दौर आपके पार्टी में चल रहा है और एक खेमा एक तरफ बढ़ गया है, दूसरा खेमा दूसरी तरफ बढ़ गया है, कैसे सबको साथ लेकर चला जाएगा यहाँ पर? कैप्टन साहब हमारे कॉलेज लीडर हैं पंजाब के अंदर, वो मिनिस्टर हैं और सिद्धू साहब भी हमारे सीनियर लीडर हैं और अभी प्रेजेंटली वो हमारे न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं। और इसलिए है कि सिद्धू साहब भी कांग्रेस है, कैप्टन साहब भी कांग्रेस हैं, तो हमने तो पूरे वर्कर जो है वो इस तरीके से लग रहा है कि आने वाला जो चुनाव है उसके अंदर जो सारे सेक्शन सभी सुपर चार्ज होंगे नेक्स्ट इलेक्शन के लिए तैयारी करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी है पंजाब चुनाव की? स्ट्रैटेजी अपनी मिल बैठ के सभी, अभी आज अपॉइंटमेंट हुई है, कल बैठेंगे बैठ के सभी सीनियर लीडर्स के साथ, आने वाले दिनों जो रणनीति रहेगी, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे चुनाव में जाना है, तमाम चीजों को बैठ के हम उसको फाइनलाइज देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।